नमस्कार दोस्तों, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पेपर में कुछ बदलाव किया है। वो बदलाव क्या क्या है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आप लोगों का जो पेपर है वो 5 मई से ऑनलाइन परीक्षा चालू हो जाएगा। आप जहां पे पढ़ रहे हैं वहीं पे जमा करना होगा आप लोगों का उत्तर पुस्तिका। और फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, फ्रंट पेज में भी बदलाव हुआ है। कम्प्लीट नॉलेज मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हेमचंद तो विश्वविद्यालय की 5 मई से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो 5 मई से शुरू हो रही हैं, जो ऑनलाइन होगा। पिछले साल परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए परीक्षा केंद्रों में उमड़ी छात्रों को भीड़ के देखते हुए इस बार फैसला किया गया है कि जो छात्र जहां पढ़ रहे हैं या फिर जहां उन्होंने आवेदन जमा किया है वहीं उन्हें सवालों के जवाब लिखकर उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करना होगा। ये साफ कर दिया गया है कि आप जहां से फॉर्म भरे थे या जहां पे पढ़ रहे थे आप वहीं पे जो आंसर शीट है उसको जमा करने वाले हैं, वो भी पेपर के 3 दिन बाद। इससे विवि को उम्मीद है कि महाविद्यालयों में एक भी छात्रों की भीड़ नहीं उमड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, आंसर शीट बंद लिफाफे में जमा करना होगा। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो आंसर शीट है आप लोगों का पेपर खत्म होने के बाद एक आप लिफाफा लेंगे जिसमें कि आप लोगों को पूरे एक ही लिफाफा में पूरे आंसर शीट को जमा कर देना है, डाल देना है और उसको अच्छे से कवर करके आप लोगों को जमा करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, आने वाले दिनों में परीक्षा की समय सारणी जारी की जाएगी। विषय और कक्षावार जैसे जैसे परीक्षाएँ समाप्त होती जाएंगी उनके ठीक 3 दिन बाद संबंधित महाविद्यालयों में छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएँ पिछले साल की तरह एक लिफाफे में जमा अपना नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, विषय आदि लिख कर जमा करना होगा। अफसरों का कहना है कि सेमेस्टर परीक्षाएं 12 या 15 तारीख को समाप्त हो सकती हैं। जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो 5 मई से 12 या 15 मई तक समाप्त हो सकती हैं। परीक्षा समाप्त होने के 3 दिन बाद छात्रों को कॉपियां जमा करनी होंगी। यहाँ पे अलग अलग तिथियों में अपलोड होंगे प्रश्न पत्र। जो आप लोगों का प्रश्न पत्र है वो जो आप लोगों का जो भी प्रश्न पत्र है वो जो विश्वविद्यालय है उसके वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अलग अलग तिथियों को अपलोड किए जाएंगे, तो कैसे अपलोड किए जाएंगे ये भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। टाइम टू टाइम अपडेट आप लोगों को देते रहूँगा कि क्या हो रहा है दुर्ग विश्वविद्यालय में। तो आप लोग इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को। अब लास्ट वाला क्या यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे ये कवर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कवर, ये देखिए ये वाला, ये देखिए कवर पेज देगा विवि उत्तर पुस्तिका छात्रों को ही होगी। मतलब जो कवर पेज होगा वो इस बार कुछ चेंजेस के साथ जो विश्वविद्यालय वो जारी करेगा, और जैसे ही जारी करेगा मैं आप लोगों को वो कवर पेज भी दिखाऊंगा। और जो आंसर शीट है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोग जो भी कॉपी इसमें लिखेंगे वो आप अच्छे कॉपी ले लेंगे 60 या 70 रुपये वाला। और जो कवर पेज है वो किस टाइप से रखना होगा ये भी मैं आप लोगों को जैसे ही अपडेट आता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए लास्ट क्या है, प्रायोगिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे है प्रायोगिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन। जो भी प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला था वो भी अब क्या होगा, ऑनलाइन होगा। कुलपति ने बैठक में प्राचार्यों से कहा जिन विषयों के अभी तक प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं उन्हें ऑनलाइन आयोजित किया जाए। बैठक में प्राचार्यगण डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी, डॉक्टर अच्छा सिंह, डॉक्टर हंसा शुक्ला, इन्होंने सभी लोग ने अपने संबंधित सवाल पूछे थे, उनका जवाब जो कुलपति ने वो दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और जैसे ही और भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को बताऊँगा, और जो भी टाइम टेबल जारी होगा तुरंत मैं आप लोगों को बताऊँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।